रमज़ान आ चुका और चंद दिनों में ईद भी, और आप हम सभी ईद की तैयारियां भी करेंगे, लेकिन इस तैयारी से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें। पर शमी मंटी ने भी 3 जोड़े कपड़े लाए, सेल लगे हैं ना, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे मिले। तुझ पे अच्छा लगेगा ये कलर, इस बार देखना कैसे तड़पेगी वो जल मुकड़ी। खाला जान, इसमें थोड़ी जरी और चमकी की कमी है ना। चुप कर, कितना अच्छा तो लग रहा है, ऐसे ही फैशन चला है आजकल। ज्यादा क्या करने का उसमें, अरे वो चूड़ियों का डब्बा देना, आजकल तो समझ में ही नहीं आता, दुकान वालों की लाइट में तो रंग ही बदल जाता, वहाँ कुछ अलग ही दिखता है। अरे हाँ, ये देखो कितनी अलग है। मेरी वाली तो मैचिंग ही होनी चाहिए। चल कोई बात नहीं, ईशा के बाद बदल के ले आएंगे। क्यों खाला, मेहंदी नहीं लगाना है? अरे चुप कर ना, ईशा के बाद की बात ही कुछ और होती है, वो धुआं धक्कड़, हलवा पराठा। हाँ और वो भीड़। लेकिन एक बात है, रोज नमाज में पैर बहुत दुखने लगता है। हाँ इसलिए मैं नमाज फर्ज पढ़ के बस थोड़ा लेट जाती हूँ। मगर बाजार में रोज 2-2 घंटा चलने पर भी दर्द का पता नहीं चलता। देख लो किसी का कोई चीज रह तो नहीं गया, वरना हर साल की तरह ईद की सुबह तक खरीदो फरोख्त की जंग चालू रहेगी। वो तो होना ही है, चूड़ियाँ, चप्पल, जूते, सैंडल, कपड़े, बुरखा, दुपट्टा, इनर्स, मेकअप किट्स, और फिर बच्चों के कपड़े, उनके जूते, चप्पल, मोजे, टोपी, रुमाल। हाँ और फिर ईद का सामान, सिवैयां, दूध, काजू, बादाम, खुशबू, कलर्स, बाबा रे बाबा। और तीखे का आइटम तो तुम लोग भूल ही गए हो। लो तीखे से याद आया, मसाला तो मैंने मंगाया ही नहीं, और बाद में फिर वो मसाला मिलेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं शमसू से मंगा लूंगी। लो शमसू भी आ गया। क्या हुआ? जरा नमाज से आते हुए मुर्गी वाले से मसाले की पुड़िया लेते आना। अरे मैं नमाज नहीं जा रहा हूँ। क्यों भाई, नमाज को क्यों नहीं जा रहा? अरे ईद को 4 दिन बचे हैं और पार्लर में इतनी लंबी लाइन है, मुझे बाल भी कटवाना है, मेहंदी भी लगवाना है, चेहरा भी बनवाना है। आप ही लेके आ जाओ ना आपा। लो अब ईद आ रही है तो इबादत नहीं करेंगे? अरे ईद रमजान के रोजे और इबादत के मुकम्मल होने के खुशी का दिन है। और ये है कि अरे आपा आज ही तो मैं जा रहा हूँ, तुम तो पिछले 6 दिनों से तुम्हारी खरीदारी चालू है और ये सिलसिला ईद के दोपहर तक चालू रहेगा। बस कर अपना काम कर, वैसे भी ईद की शॉपिंग अगले साल से मैं 1 महीना पहले ही कर लिया करूँगी और पूरे महीने सिर्फ इबादत ही करूँगी। ये भी मैं बचपन से सुनते चले आ रहा हूँ, ये घर पे ऐसा रमजान कभी नहीं आया। मैं जा रहा हूँ, अम्मी अब्बा से कहना मैं थोड़ा लेट होएगा मुझे। जा अपना काम कर। अरे मरियम जरा वो नेकलेस का डब्बा तो दे। ये रही खाला जान, हार तो आपने चुनकर लिए, खूब जचेगी आप पर। अरे नाना नानी कहाँ है खाला? मत पूछ, वो दोनों को तो फुर्सत ही नहीं है। अरे वो लोग तो इबादत में लगे होंगे ना। अरे जा, 2 दिनों से भिंडी बाजार गए हुए, पता है ना उन दोनों को वहीं के कपड़े पसंद आते हैं, हर साल वहीं जाते हैं शॉपिंग करने, कल आने वाले। चलो फौरन तैयारी कर लो, अजान हो चुकी है और तुम लोग नमाज पढ़ लो। मैं तो आकर ही नमाज पढ़ूंगी, बहुत थक गई हूँ मैं। और ये मरियम की बच्ची, तू लंबी लंबी दुआओं में मत लग जाना, पता है ना ये मार्केट साल में 1 ही बार लगता है। ठीक है खाला। चलो भाई, पेट में तो बहुत चूहे दौड़ रहे। हो गई नमाज? जी। रमजान में इतना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। कहाँ है सीमा? क्या हूँ खाला, बस तैयार हो रही थी। चलो खाला जल्द चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। जमीला और मेरून ने 2 फोटो डाले अपने फेसबुक पे, मैंने भी 2 पोस्ट मार दी। अरे सीमा अपन एफबी पर डालेंगे। अरे खाला शबनम चाची आ रहे। शबनम तू कहाँ जा रही है इस वक्त? जरा दूध लेने जा रही थी आपा। क्या हुआ, तेरे शोहर आए नहीं अब तक? आए तो हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब है ना। तुम कहाँ चले इस वक्त आपा? तुम्हें तो पता है ना शबनम, मुझे कितने सामान लेने होते ईद के लिए। अरे आपा आज असर बाद इज्तिमा में बहुत अच्छी बात सुनी मैंने कि आखिरी 10 दिन जो है वो तीसरे अशरे होते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा जहन्नुम की आग से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए, और अगर खरीदारी रह गई हो तो उसे दिन में 1 ही वक्त में कर लेनी चाहिए ताकि बाकी वक्त इबादत और दुआओं में लगा सके। जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, फिर ये अजीम महीना हमें दोबारा मिले ना मिले।
हाँ वो तो है, लेकिन अभी तो मुझे अपने पोतों की शादी देखनी बाकी है, ऐसे ही नहीं जा रही मैं दुनिया से। चलो अस्सलाम वालेकुम। ईद का मौसम आया है, मार्केट ने बुलाया है, आई आपा आई खाला मिलकर सब दुकान ले डाला। मार्केट में हम जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे, दिन भर रोजा रखकर मार्केट से आए थककर, सामान खरीदा जमकर, अब ना कोई गम कर, इबादत भले ही कम कर, ले आओ और सामान ले आओ, ले आओ और सामान ले आओ। जोड़ी का रंग बदलेंगे और भी सामान कर लेंगे, मार्केट मुट्ठी में कर लेंगे। ईद का मौसम आया है, मार्केट ने बुलाया है, आई आपा आई खाला मिलकर सब दुकान ले डाला। ईद का मौसम आया है, मार्केट ने बुलाया है, ईद का मौसम आया है, मार्केट ने बुलाया। अब तो ये एकदम बिल्कुल मैचिंग कलर है, देख ले। मार्केट ने बुलाया है, ये देख है ना, ये भी मैच हो रहा है। शबनम के घर देखी, दरवाजे पे चप्पलों की ढेर लगी है, मेहमानदारी शुरू है। कह रही थी रमजान के आखिरी अशरे में इबादत करनी चाहिए। अरे वहाँ मेहमान वहमान कोई नहीं आए, शबनम आपा बाजार लेने जा रहे थे, ठोकर लेके गिर गए, सर में ज्यादा चोट लगने से उनका इंतकाल हो गया। जिंदगी का कोई भरोसा, वहाँ जो भीड़ लगी है उसी की भीड़ है वो। आने तो जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है, फिर अजीब महीना हमें दोबारा मिले ना मिले, दोबारा मिले ना मिले, दोबारा मिले ना मिले, या अल्लाह इन बचे हुए चार दिनों को मेरे लिए खुलूस के साथ इबादत के दिन बना दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। दोस्तों ईद खुशी का दिन है और हमें खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन ध्यान जरूर रखें कि हम रमजान के इन दिनों को, खासकर आखिरी अशरा यानी आखिरी के 10 दिनों को, अपनी शॉपिंग या गैर जरूरी कामों में ना खो दें, जिन्हें अगर हम सही मायनों में पालें तो आखिरत में भी खुश और कामयाब होंगे। तो दोस्तों रमजान के इन आखिरी रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अपनी शॉपिंग पहले ही से कर लें और गैर जरूरी कामों से गुरेज करें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अगर आपके शेयर करने से किसी के दिल में बात उतरती है तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा, तो शेयर जरूर करें।